फरवरी महीना से दोस्तों देवघर और गोड्डा के बीच पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। दोस्तों रेलवे के द्वारा समय सारणी जो है वो जारी कर दी गई है। यह ट्रेन गोड्डा स्टेशन से कितना बजे खुलेगी, देवघर कब पहुंचेगी, कौन कौन सा स्टेशन पर रुकेगी, वो सारा डिटेल्स मुझे प्राप्त हो चुकी है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको सारी जानकारी देते हैं। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको ट्रेन से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलते रहती है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। रेल मंत्रालय ने देवघर से गोड्डा भाया मोहनपुर हजडिया रेल लाइन पर ट्रेन चलाने की जो मंजूरी है वो दे दी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द यानी कि फरवरी महीना में किसी भी दिन गोड्डा और देवघर के बीच पैसेंजर ट्रेन का जो परिचालन है वो शुरू हो जाएगी। आप सबको बता दें कि गोड्डा सांसद 2019 में ही वादा किए थे कि इस रूट पर ट्रेन चलेगी और फाइनली 2024 में वो वादा पूरा कर चुके हैं और फरवरी महीना में गोड्डा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समय सारणी के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद सभी जानकारी को एक एक करके जानेंगे। पूर्व रेलवे द्वारा जारी की गई समय सारणी के अनुसार यह पैसेंजर ट्रेन सुबह 10:35 में देवघर स्टेशन से रवाना होगी। 12 बजे यह ट्रेन हजडिया स्टेशन पहुंचेगी और 12:40 में यह ट्रेन गोड्डा स्टेशन पहुंच जाएगी। वही दोस्तों वापस की बात करें तो दोस्तों यह ट्रेन जब गोड्डा स्टेशन पहुंचेगी तो 10 मिनट रुकने के बाद फिर गोड्डा स्टेशन से यह ट्रेन 12:50 में गोड्डा स्टेशन से रवाना हो जाएगी। 1:30 में यह ट्रेन हजडिया स्टेशन पहुंचेगी। शाम 3:15 में यह ट्रेन देवघर स्टेशन पहुंच जाएगी। गोड्डा से देवघर यह ट्रेन महज 2 घंटा में सफर करेगा। दोस्तों इस ट्रेन के परिचालन के बाद यात्री को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो यात्री गोड्डा से देवघर बस के माध्यम से जाते थे उन्हें 150 रुपए देना पड़ता था, लेकिन दोस्तों इस ट्रेन के माध्यम से अब यात्री गोड्डा से देवघर मात्र 15 रुपए में अपना सफर को पूरा करेंगे। तो दोस्तों जो यात्री है उसके अंदर काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि यह पैसेंजर ट्रेन किस किस स्टेशन पर रुकते हुए गोड्डा से देवघर तक जाएगी। जब यह ट्रेन देवघर स्टेशन से रवाना होगी तो यह ट्रेन मोहनपुर में रुकेगी, तिरकुट हॉल्ट पे रुकेगी, हरला टार पर रुकेगी, पोरी जोर में रुकेगी, कनकनी में रुकेगी, सर्वधाम हॉल्ट में रुकेगी, हजडिया में रुकेगी, सलैया में रुकेगी, पोरैया हाट में रुकेगी, कठौन में रुकेगी और इसके बाद गोड्डा स्टेशन पहुंच जाएगी। साथ ही दोस्तों इस ट्रेन का परिचालन होने से 3 जिला जुड़ जाएगा, देवघर, दुमका और गोड्डा, यानी कि यह 3 जिले के लोग इस ट्रेन का लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों बहुत जल्द इस ट्रेन का परिचालन डेट रेलवे की ओर से जारी हो जाएगा, लेकिन आज की इस अपडेट में यह पता चला है कि इस ट्रेन का जो परिचालन है वह फरवरी महीना का कोई सा भी दिन में स्टार्ट हो सकता है। रेलवे की जानकारी के अनुसार इस ट्रेन का जो परिचालन है फरवरी महीना के किसी भी दिन हो सकती है। दोस्तों यदि आप वो जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको देवघर, गोड्डा, जसीडी, भागलपुर, पीरपैंती, रांची, पटना जैसे स्टेशन से सारी जानकारी आप सबको इस चैनल में देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आज के वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा गोड्डा देवघर जो ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है उससे आप कितना ज्यादा खुश हैं। आप अपना खुशी कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।